चर्बी और मांस में वैसे फर्क है भाषा का। चर्बी अगर बढ़ी तो फिर भोजन पूरे शरीर पर दिखाई नहीं देगा, भोजन फिर केवल पेट और कोट पर ही दिखाई देगा। है किसी किसी की कमर बहुत ऐसी मोटी सी हो जाती है, पीछे का भाग बहुत बड़ा हो जाता है, किसी का आगे इतना भाग बड़ा हो जाता है। ये क्या है? ये चर्बी है। और कोई भोजन जरूर रॉन्ग हो रहा है, जैसे तुम नहीं जानते कोई खाने में गलती हो रही है, वो हमारे शरीर को फैट बढ़ा रहा है। और वो खाना छूट जाएगा तो मुझे लगता है शरीर फिर अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्यों? पूरे शरीर में भगवान ने 84 लाख इंजीनियर बिठाए हुए हैं। कितने लाख? 84 लाख इंजीनियर बॉडी में है मनुष्य की। वो सब दिन भर काम करते हैं बॉडी में। अच्छा बताओ, तुम्हारे हाथ में यहां चोट लगी, फोड़ा आया, तुमने फोड़ दिया, मवाद निकल गया, पट्टी बांध ली, ठीक हो गया। 2 महीने तक आपको दाग दिख रहा, फिर वो दाग गायब कैसे हो गया बताओ? वो गया कहां है? कई महिलाएं ऑपरेशन करती हैं बाल गोपाल के बाद में टांके लगाती हैं, रोड सा बन जाता है पेट पे, और देखते देखते 8-10 साल के अंदर वो जगह खत्म हो जाती है, वो टांके वाली जगह दिखाई नहीं देती, वो रोड खत्म हो जाता है, वो गायब कहाँ हो गया? अरे बाबा गायब नहीं, गुरुजी बता तो रहे हैं कि हर रोज नई चमड़ी आती है और नई चमड़ी आके एक दिन में पुरानी होके उतर जाती है। धीरे धीरे टांके की जगह पर वो निशान दिखाई देते, नई आ जाती है, मसल्स नई आ जाते, नई चमड़ी आ जाती है। इसलिए तो डॉक्टर फाड़ने में चुकते नहीं और सिलने में नहीं चुकते, उन्हें पता है ना कि फाड़ के सिल दो चुपक जाना मतलब मांस नया जिंदा होता है, तो मांस में मांस, चमड़ी में चमड़ी नया होता है। अगर काट के ऑपरेशन करके चमड़ी और मांस नया पैदा नहीं होता तो कभी भी जुड़ता ही नहीं, पेट फटा का फटा ही रहता चाहे जितने टांके मार लो, पर मांस में और चमड़ी में जीव होता है, इसीलिए वो नित्य बढ़ता है। मांस रोज बढ़ता है और चमड़ी भी रोज ही बढ़ती है, पर रोज उतरती भी है। अच्छा आपने कभी कभी किसी मोटे आदमी को पतला होते देखा है कि नहीं? हमने तो देखा, हम तो करते ही हैं। तो कोई आदमी पतला था, मोटा हो गया और फिर पतला होना चाहा तो पतला भी हो गया, तो ये इससे समझ में आ गया कि मांस घट भी सकता है और बढ़ भी, घटने बढ़ने वाली चीज है, अपने हाथ की चीज है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है।